भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन में कुल 232 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मुखिया पद के लिए कुल 33 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें सैनो पंचायत से निवर्तमान मुखिया भैरव यादव, मोहम्मद इब्रार आलम एवं बालमुकुंद कापड़ी, जगदीशपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया ममता साह, चांदपुर पंचायत से अमृता देवी, अर्चना कुमारी एवं महरूमा बानो, भवानीपुर देसुड़ी पंचायत से अनुरोध प्रसाद महतो, पुरैनी उत्तरी पंचायत से आरा सबनम परवीन, बीबी रानी एवं अबू सलेह, सोनूचक पुरैनी पंचायत से बीबी नसरत, बीबी इशरत, रेणु देवी एवं अंजू देवी शामिल है। वहीं सरपंच पद के लिए 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा। पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। वहीं वार्ड सदस्य पद के लिए 139 प्रत्याशियों ने नामांकन किया तथा पंच पद के लिए 24 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। मैंने बैजानी पंचायत के मुखिया के रूप में आज अपना नामांकन किया और बैजानी पंचायत इस वर्ष पूरे बिहार में जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन इतिहास रचने जा रहा है। सबसे कम उम्र का मुखिया बैजानी पंचायत पूरे बिहार में देने जा रहा है। लंबे समय से राजनीति का अनुभव रहने के कारण पूरे सामाजिक क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ और मेरी शिक्षा MC और LLB तक हुई। इस कारण लोगों का मेरे प्रति रुझान है। हम लोग पंचायत के निम्न अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की गाथा माननीय प्रधानमंत्री के वो कैसे पहुँचे इसको लेकर संकल्पित है। हमारे गांव के समाज के जो रोजगार पाने वाले युवा हैं उनको कैसे रोजगार मिले, हमारे घर में इंदिरा आवास अलग अलग लोगों तक अंतिम अंतिम लोगों तक कैसे पहुंचे, हम इन सभी मुद्दों के साथ आज चुनाव लड़ रहे हैं और हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और युवा प्रत्याशी होने के नाते सभी लोगों का रुझान हम लोगों के प्रति है। कुछ पांडे मुखिया प्रत्याशी बैजानी पंचायत। पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग का 29 तारीख को मतदान की निर्धारित है। अभी हम लोग का नामांकन का काम चल रहा है, 13 तारीख तक चलेगा। रविवार की छुट्टी के दिन के कारण रविवार को नामांकन का काम नहीं लिया जाएगा, सॉरी नामांकन बोल रहे हैं नाम निर्देशन का। और उसके बाद में फिर 16 तारीख को समीक्षा का काम चल रहा है। उसमें डेट वाइज हम लोग ने जो आज नॉमिनेशन किया था 14-15-16 तीन दिन हम लोग का समीक्षा का ये इसके लिए कार्यक्रम हम लोग प्रखंड स्तर पे ही सभी हो रहा है। और हम लोग को पाँचों पद के लिए पाँच अलग अलग जगह काउंटर बनाया गया है। वार्ड में नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए पंचायत वाइज उसका काउंटर बनाया गया कि जहाँ लोगों को तकलीफ ज़्यादा नामांकन करने में नहीं। और EVM का कमीशनिंग का और EVM को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोकनाथ विश्वविद्यालय को चिन्हित किया गया है। वहीं पर EVM कमीशनिंग के बाद में वहीं EVM ब्रजगिरी में रखा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन उस दिन मतदान के एक दिन पहले पेट्रोलियम स्टेट के साथ उसको विभिन्न बूथों में भेजा जाए। जहाँ तक काउंटिंग की सवाल है, काउंटिंग सरकार के ही मैंने निर्वाचन के मार्गदर्शन के आधार में ही जिला स्तर पर निर्धारित की गई है, जो कि किसी सवर्ण विश्वविद्यालय को चिन्हित किया गया है। इलेक्शन के बाद जो है सभी मत प्रतिका जो EVM ओल्ड EVM है वो जमा होगा वहीं पर और 1 तारीख और 2 तारीख को उसकी मतगणना होगी और उसी दिन ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। सर सिंबल 18 तारीख को हम लोग सिंबल लगाएंगे। सरकार का जो भी निर्वाचन आयोग का जो भी मार्गदर्शन है उसके हिसाब से सभी जो भी नामांकन प्राप्त हो रहे हैं उसको डिजिटाइजेशन करना है और डिजिटाइजेशन के बाद भी ऑटोमेटिकली सभी कंप्यूटराइज से कंप्यूटर के द्वारा ही सभी कार्ड आगे किए जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।